प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रही हैं, और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से संबंधित बात हम कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में देखा था, जैसे मौसम, जलवायु, मानसून। भारत की जलवायु मानसून की खोज से संबंधित कुछ तथ्य हमने देखे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो जलवायु हमें दिखाई दे रही हैं, भारत की जो जलवायु हैं, किस प्रकार की जलवायु हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये भारत की जलवायु है। ये जो जलवायु है ये कैसे प्रभावित होती हैं, और इसको प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों की हम बातें करेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन कारकों की बात करेंगे। इन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो हैं लेटिट्यूड। कौन सा है? लेटिट्यूड, अक्षांश। अक्षांश किसी क्षेत्र की जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं, ये चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो देखिए, विश्व की दृष्टि से हम देख रहे हैं 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुव। ऐसा ही विवरण आपको कुछ नीचे भी मिलेगा। अब देखिए, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, उन सीधी किरणों की बात करेंगे हम। तो आपने पिछली कक्षाओं में इस प्रकार की संकल्पनाओं का अध्ययन किया है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने ये जो 0 डिग्री हैं, ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। और ये ऊपर का क्षेत्र कौन सा है? कर्क क्षेत्र। और ये नीचे का क्षेत्र है, ये कौन सा है? मकर रेखा का क्षेत्र। मैंने यहाँ पर दो सूर्य बनाए, एक सूर्य कर्क रेखा पर बनाया और एक मकर पर बनाया। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि सूर्य गति करता है पृथ्वी के चारों ओर, कभी यहाँ आ जाता है कभी यहाँ आ जाता है, ऐसा कतई नहीं। बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य मैंने इसलिए यहाँ पर लिखी है कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो इन रेखाओं पर प्रतीत होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सूर्य लिखा है। कई बार हम शब्दावली या हम कह सकते हैं वर्बली रूप में हम ये कह देते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है। बस मतलब यही होता है कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क पर गिर रही है। ठीक है, तो देखिए, सूर्य यहाँ पर मतलब कर्क रेखा पर, सॉरी विषुवत रेखा पर सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो 21 मार्च को, फिर ये सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क पे पड़ती हैं 21 जून को, फिर सूर्य की किरणें सीधी नीचे वापस आ जाती हैं 23 सितंबर को, और फिर सूर्य की किरणें नीचे आ जाती हैं 22 दिसंबर को, फिर सूर्य की किरणें 21 मार्च को ऊपर चली जाती हैं। अब देखिए, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर आप सोचोगे सर ये बता क्यों रही हो आप। देखिए, इनडायरेक्ट रूप से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्ष के किसी न किसी समय में क्या हो रहा है,
सूर्य की किरणों का सीधापन दिखाई दे रहा है, इससे बाहर के क्षेत्र में कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। इसके बाहर के क्षेत्र में सूर्य की किरणों का सीधापन दिखाई नहीं देता है। तो ये क्षेत्र किस प्रकार का बना रहेगा? हमेशा उष्ण। किस प्रकार का? उष्ण बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक इस क्षेत्र की बात करते हैं, ऊपरी क्षेत्र की। तो ये ऊपरी क्षेत्र सदैव क्या रहता है? तापमान से विहीन क्षेत्र रहता है। क्या होता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है। ये क्षेत्र बिल्कुल भी सूर्य की 40 से 42% यहाँ पर क्या है, सूर्य तप की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तापमान नहीं हो जाता, नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणों का कैसा तिरछापन दिखाई देता है, जिसके कारण तापमान बिल्कुल कम रहता है। इसलिए ये क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? शीत क्षेत्र दिखाई देता है। ये क्षेत्र उष्ण हो गया और ऊपरी क्षेत्र शीत हो गया, तो बीच का क्षेत्र वैसा ही होगा, दोनों का मिक्स, शीत प्लस उष्ण क्या हो गया? शीतोष्ण क्षेत्र या उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे और 0 डिग्री से नीचे की ओर आएंगे तो कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। पहले उष्ण, फिर शीतोष्ण और लास्ट में क्या आ रहा है? शीत क्षेत्र आता है। तो इसी प्रकार से जलवायु भी क्या होती है? उष्ण क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, शीतोष्ण क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। ये अक्षांशों के अकॉर्डिंग होता है, और अक्षांशों के अकॉर्डिंग इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा। कैसा चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, और इसी बढ़ते क्रम में क्या होगा, तापमान में कमी होती चली जाएगी, और वो तापमान किसे प्रभावित करेगा? जलवायु। देखिए जलवायु में मुख्य तत्व क्या होते हैं? तापमान, वर्षा और वनस्पति, इन तीनों कारकों का समेकित अध्ययन किसमें आता है? जलवायु। और इन तीनों कारकों का कब तक अध्ययन करना है? 20 से 30 वर्षों तक। यही वायुमंडलीय दशाएं हैं। इन दोनों वायुमंडलीय दशाओं से क्या होता है? वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं? एक फैक्टर प्राकृतिक वनस्पति को भी ले रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों कारकों को हम जब एक साथ इकट्ठा पढ़ते हैं तो वो हम उस क्षेत्र की क्या पढ़ रहे हैं? जलवायु पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा कारक हम देखेंगे स्थल व जल का स्वभाव। स्थल तथा जल का जो स्वभाव होता है वो जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? देखिए दो क्षेत्र बता देता हूं आपको, ये जलीय क्षेत्र हैं, जल, ये स्थलीय भाग है। अब देखिए जब भी सूर्य की किरणें गिरेगी तो सूर्य की किरणें जल में भी गिरेगी और स्थल भाग में गिरेगी। अब स्थल भाग क्या प्रतिक्रिया करेगा, जल भाग क्या प्रतिक्रिया करेगा? स्थल भाग क्या हो जाएगा? शीघ्र ही
गर्म हो जाएगा और शीघ्र ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन जलीय भाग क्या होगा? देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। अब ये शीघ्र ही गर्म हो गया, लेकिन उसी समय ये गर्म नहीं हुआ है तो इसके तापमान में क्या आ गया? अंतर आ गया। उस तापमान के अंतर की वजह से वहाँ के दाब में भी अंतर आ जाता है। वहाँ के दाब में अंतर आने से वहाँ का वर्षा का वितरण भी प्रभावित हो जाता है। जब तापमान और वर्षा का वितरण प्रभावित हो गया तो यहाँ की वनस्पति भी प्रभावित हो जाती है। और इन्हीं तीन कारकों का समेकित अध्ययन क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा किसको प्रभाव पड़ेगा? जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्थल व जल का स्वभाव भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भारत की नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की जलवायु हो वहाँ पर स्थल तथा जल के स्वभाव का प्रभाव पड़ता ही। ठीक है, एक अगला कारक और लेते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये देर से गर्म क्यों होता है, शीघ्र ही गर्म क्यों होता है, इसका अंतर क्या है। इसके बारे में काफ़ी गहराई में चले जाते हैं बच्चे, तो मैं उन महानुभावों को बताना चाहता हूँ। देख लो एक बार ये स्थल भाग, ये जल भाग। स्थल भाग में सूर्य की किरणें गिरेगी, 3 फीट तक मैक्सिमम गहराई में जाती है, इतना क्षेत्र कवर करती है। बार बार सूर्य की किरणें गिरेगी, ये कम क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? शीघ्र ही गर्म हो जाएगा। यहाँ प्रवेश कर रही हैं 200 मीटर तक, ये इतना भाग गर्म करेगी और ये इतना भाग गर्म करेगी, पहले कौन सा गर्म होगा? आप छोटा सा कंक्लूजन देखिए, 5 कप चाय बनाने के लिए जितना पानी ले रहे हो उसको गर्म कीजिए, और 1 20 चाय बनाने के लिए पानी लिया जा रहा है उसको गर्म कीजिए, पहले कौन सा गर्म होगा? पहले कौन सा गर्म होगा? स्थल भाग गर्म होगा। इसलिए हम कह रहे हैं स्थल भाग शीघ्र ही गर्म हो जाता है और ये देर से गर्म होता है। इसके बाद में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, उनका हमें अध्ययन नहीं करना है। सिर्फ एक ही क्लू अपने माइंड में रखिए, ये आपने पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्राइब रूप से नहीं बता रहा। और भी बहुत सारे कारक देखिए। अगला जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है, सागर तट से दूरी। सागर तट से दूरी होने का क्या रीजन ऐसा है जिससे जलवायु क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं भारत की दृष्टि से, हम बात कर रहे हैं ये क्षेत्र है मुंबई का, ये क्षेत्र है चेन्नई का, और इसके पास का क्षेत्र जो है वो कैसा है? कैसा क्षेत्र है? ये जलीय क्षेत्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जलीय क्षेत्र है। अब मैं एक बात कर रहा हूं यहां पर जयपुर और दिल्ली। अब मेरे को ये देखिए बताइए कि तट के बिल्कुल नज़दीक का क्षेत्र कौन सा है? आप बिल्कुल बताओगे कि मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई ये सागर तट के बिल्कुल समीप हैं, और जयपुर और दिल्ली वो सागर तट से दूर हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तटीय क्षेत्र होता है उस तटीय क्षेत्र में जल तथा स्थल के मिलन के कारण वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
सम जलवायु पाई जाती है, समान प्रकार की जलवायु, डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंस स्थल तथा जलीय भाग में था, वो डिफरेंस आपस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी प्रतीत हो रही है, सम जलवायु प्रतीत हो रही है। यहाँ भी आपको सम जलवायु मिलेगी, ठीक है। सम जलवायु से तात्पर्य ये है कि इसके तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, 20 से 30 डिग्री पूरे वर्ष भर, मिनिमम हो सकता है 15 चला जाए, मैक्सिमम हो सकता है 30 चला जाए, लेकिन ये डिफरेंस नहीं मिलेगा जैसा डिफरेंस दिल्ली तथा जयपुर के क्षेत्रों में मिलता है। सर्दियों के समय 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, गर्मियों के समय 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि तट से क्या हो गई, दूरी हो गई, इसलिए किस प्रकार की जलवायु मिलेगी, विषम प्रकार की जलवायु मिलेगी। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाने से क्या हो जाता है, जलवायु में परिवर्तन दिखाई देता है, उसी प्रकार के जलवायु को विषम जलवायु कहते हैं, या उसको बोलते हैं महाद्वीपीयता की अवधारणा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले कारक की बात करते हैं। सागर तल से ऊंचाई, सागर तल से जो ऊंचाई है उस ऊंचाई की बात करते हैं। देखिए, एक ही अक्षांश की बात कर रहा हूँ, एक ही अक्षांश पर दो अलग अलग स्थानों की बात करूँगा मैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ एक स्थान है बरेली, और यहाँ एक स्थान है आपका इसी लाइन पर दार्जिलिंग, एक ही अक्षांश पर है। देखिए, एक ही अक्षांश पर तापमान बिल्कुल समान होता है, लेकिन अंतर कब आ जाता है, जब उसको दूसरा कारक इफेक्ट करने लगता है, तब उसमें अंतर आता है। तो देख रहे हैं अंतर कैसे आए, यहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो यहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पाया जा रहा है। क्यों भी एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन फिर भी तापमान में क्या मिल रहा है, अंतर मिल रहा है, इस अंतर का कारण क्या है। ये जो क्षेत्र हैं ये कैसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, मैदानी क्षेत्र है, या हम इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं ये ऊंचा भूभाग है, ऊंचा भूभाग होने के कारण तापमान में अंतर आ गया। कैसे आ गया, ये कारक हम पढ़ रहे हैं सागर तल से ऊंचाई। अगर ऊंचा भूभाग होगा तापमान में कमी होगी, ये बात आपने पिछले कक्षाओं में देखी थी, 165 मीटर धरातल से ऊपर जाएंगे -1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे -6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी, कमी होगी, और वो किसको प्रभावित करेगा, जलवायु को प्रभावित करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक आगे वाले कारक की, उच्चावत की। रिलीफ उच्चावच, ये देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे भारत की दृष्टि से उच्चावच। ये आपको पता है कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये पश्चिमी घाट, या आप कह सकते हो सह्याद्री। ये वास्तविक पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक कगारी क्षेत्र है,
ये भाग नीचे धस गया जिसके कारण ये पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहा। अब मैं बात करूंगा इसके पश्चिमी क्षेत्र की और इसके पूर्वी क्षेत्र की। ये क्षेत्र है मुंबई का, ठीक है, और ये क्षेत्र है मंगलोर का। इसके पूर्वी भाग की बात करेंगे, यहाँ पर एक शहर है पुणे और यहाँ पर एक शहर है बेंगलोर। चार क्षेत्र लिखे हैं और बीच में मैंने एक पर्वतीय क्षेत्र को लिख दिया है। अब देखिए ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र कैसे इफेक्ट करेगा। उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक सामान्य आधार पर बात करते ही हैं, अब ये ए क्षेत्र है, ए क्षेत्र का उच्चावच प्रदर्शित हो रहा है। उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम जो भी क्षेत्र की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं। उस क्षेत्र का जो ढाल है वो ढाल कैसा है, उस ढाल से संबंधित हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, उच्चावच का। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, फिर यहाँ पर तटीय क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र है, और फिर आगे बिल्कुल तटीय क्षेत्र आपको सागरीय क्षेत्र दिखाई देगा। तो ये उच्चावच है, हम इसी की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो जलीय क्षेत्र है अरब सागर का, यहाँ से हवाएं उठेगी और जैसी हवाएं उठेगी इनके साथ में नमी की मात्रा होगी, और वो नमी की मात्रा जो हवाओं में है वो हवाएं इस पर्वतीय क्षेत्रों से टकराएगी। टकराकर क्या करेगी, इसी क्षेत्र में वर्षा करेगी। इससे आगे हवा जा ही नहीं रही है, तो यहाँ वर्षा होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, और इस क्षेत्र में वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। अब अंतर स्पष्ट हुआ किसके आधार पर, उच्चावच के आधार पर। तो हम कह सकते हैं मुंबई और मैंगलोर में वर्षा अधिक होती है और पुणे तथा बेंगलोर में वर्षा नहीं हो रही है, और ये जो कारक है ये किसको इफेक्ट करता है, फिर जलवायु को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने चार या पांच कुछ कारक हैं उनके बारे में देखा, और इन्हीं कारकों को हमें कंटिन्यू याद रखना है कि इनका प्रभाव किस तरह से होता है, ठीक है। बाकी जो संकल्पनाएं हैं मानसून से संबंधित, भारतीय मानसून से संबंधित, वो संकल्पनाएं हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।